लुधियाना स्थित इलाका शिमलापुरी के गुरु गोविंद सिंह नगर में समर्सिबल खराब हो जाने के कारण पिछले चार दिनों से पानी नहीं आ रहा, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम के कारण पानी की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं और ऐसे मौसम में पानी की कमी बहुत ही बड़ी समस्या बन जाती है। नगर में पानी न आने के कारण आज इलाके के लोग इकट्ठा हो गए और डिप्टी मेयर को मौके का जायजा दिखाया और अपनी परेशानी बताई। इस समय डिप्टी मेयर सर्वजीत कौर, जरनैल सिंह शिमलापुरी सहित एक्सीएन हरमेश लाल और जेई रणदीप सिंह ने मौके का जायजा लिया और लोगों की परेशानी को हल करने एवं नए समर्सिबल का बोर करवाकर पानी की आ रही कमी को दूर करने का आश्वासन दिया और पानी के टैंकर गलियों में लगाए गए, जो कि लोगों की परेशानी को कम किया जा सके। इस समय सरदार जोरा सिंह, मनदीप सिंह, बलजीत गोगना, मैडम मनजीत मनी, संतोख सिंह, सतवीर सिंह, माटी कुमार, दर्शन सिंह, राजीव मोरिया, राम सिंह, गर्जा टेलर, बंटू और अन्य मोहल्ला निवासी मौजूद थे। पर जानी के समस्या हल हो जूगी। पानी जेड़ा लोकी ढोआ ढवाई बंद हो गया जानू इधरों। हां जी लिंक कटिया होना बाल चलता वा प्रॉब्लम आई सी पहला। लुधियाना से सुरजीत सिंह की रिपोर्ट, ट्रू फोकस समाचार।